हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलईडी स्ट्रोब लाइट कैसे बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, और उसको अपने बाइक और स्कूटर में हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं एकदम मैं आपको बताता हूँ। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। इसको मतलब आप एलईडी फ्लैशिंग भी कर सकते हैं या इसको एलईडी स्ट्रोब लाइट बोलो, सब सेम ही है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एलईडी लाइट्स चाहिए जो भी आपको कलर के आपको इंस्टॉल करनी है। जैसे मेरे पास रेड है, वाइट है, पिंक है, येलो है, फिर मेरे पास ब्लू कलर की भी है, अलग अलग कलर की लाइट है। आपको जो पसंद है आप वो लाइट यूज़ कर सकते हैं। और इसको फ्लैशिंग या स्ट्रोबिंग करने के लिए अपने को चाहिए इंडिकेटर फ्लैशर। तो मेरे पास तीन इंडिकेटर फ्लैशर है, तीनों के मतलब अलग अलग उसमें काफ़ी सारे मतलब ये होता है, फ्लैशिंग का तरीका अलग अलग है और सपोर्टिंग भी अलग अलग है। तो मैं आपको तीनों फ्लैशर में आपको बताऊँगा। तो ये जो फ्लैशर है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये दो मैं पहले साइड में रख देता हूँ। ये जो फ्लैशर है, ये ओरिजिनल फ्लैशर है जो होंडा के गाड़ियों में लगे हुए होते हैं। ये वही फ्लैशर ओरिजिनल फ्लैशर है। तो जो मेरे एक्टिवा में जो पहले लग के आए थे, ये वही फ्लैशर है। तो ये अभी हम यूज़ करेंगे। तो इसमें ध्यान रखने का, इसमें दो पॉइंट होते हैं। इसमें एक लोड पॉइंट होता है और इसमें एक होता है बी, यानी बैटरी पॉइंट। अगर यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए एल और बी करके छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। अगर किसी किसी में लिखा नहीं होता है तो अगर अगर उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप ऐसे पोजीशन पे रखो, ये हो गया लोड और ये हो गया बैटरी, ठीक है। बी फॉर बैटरी मतलब जो बैटरी से जो पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होता है वो यहाँ पे आएगा। अभी जैसे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी ली हुई है, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बैटरी पॉइंट पे। मतलब अगर ब्रेक पे आपको डालना है तो ब्रेक वाला वायर इधर आएगा, हेडलाइट पे डालना है तो हेडलाइट वाला वायर इस पे आएगा। और दूसरा एक बात, ये एलईडी लाइट्स है तो इसको डीसी कनेक्शन नहीं चाहिए। तो आप इसको या तो आप आपकी गाड़ी का पहले से डीसी कनेक्शन पे है तो आप हेडलाइट पे डाल सकते हो, और नहीं है तो इसको आपको इग्निशन पे डालना पड़ेगा। ये दूसरा मैं यहाँ से लूँगा, ये लोड एल मतलब लोड पॉइंट। तो मतलब यहाँ से लोड पे जाएगा, एलईडी पे जाएगा। तो मैं अभी आपको ये फ्लैशर पे आपको अलग अलग सारी एलईडीज में आपको जला के दिखाता हूँ। तो पहले हम यूज़ करते हैं रेड वाला। तो रेड का जो ये पॉजिटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा लोड पे, और इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे डाल दो। ये देखिए अपने आप फ्लैशिंग करना चालू हो गया, एकदम ईजी मेथड है ये। तो आपको करना क्या है, बैटरी का जो पॉजिटिव है मतलब जो अपने मोटरसाइकिल में जो पॉजिटिव लाइन जो होती है पावर सप्लाई की, वो इधर आएगी बैटरी वाले पॉइंट पे, और जो लोड पॉइंट होता है वो यहाँ से जाएगा एलईडी लाइट पे। और ये इसका जो नेगेटिव होता है वो तो ग्राउंड हो जाएगा। एक और बार फिर से करके देखते, ये रेड हो रहा है। अभी मैं आपको दूसरे एलईडीज में आपको करके दिखाता हूँ। तो ये रेड को साइड में रख देता हूँ। ये दूसरी रेड कलर की है, ये भी ये ज़्यादा ब्राइट वाली है। ये भी रेड है लेकिन उससे ज़्यादा ब्राइट है ये। अभी दूसरी लगाते हैं। अभी ये पिंक वाली एक बार ट्राई करते हैं। फिर अभी दूसरी लगाते हैं, ये येलो है, येलो वाली ट्राई करते हैं। येलो भी हो रही है। अभी मैं आपको वाइट दिखाता हूँ। ठीक है, और ये लास्ट में आपको ब्लू दिखाता हूँ। ये ब्लू भी हो रही है लेकिन इतना ज़्यादा ब्राइटनेस इसका नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरे फ्लैशर दिखाता हूँ। अभी रीज़न क्या है ये दो फ्लैशर दूसरे दिखाने का, ये जो फ्लैशर है ये एलईडी फ्लैशर है जो अगर जब भी हम इंडिकेटर्स चेंज करते हैं, एलईडी इंडिकेटर जब हम लगाते हैं ना, तब ये वाला फ्लैशर यूज़ करना पड़ता है। ये एलईडी फ्लैशर है, और ये जो है ये रिले वाला फ्लैशर है। तो रीज़न मेरा इसमें कुछ है कि क्यों ये दिखा रहा हूँ। अभी इसको ये फ्लैशर को मैं चेंज कर लेता हूँ वापस, यहाँ पर ये दो निकाल देता हूँ पॉइंट।
इसको साइड में रख देते हैं, और अभी ये वाला लेते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही इसमें बी और एल करके इसमें लिखा हुआ है। अभी ये सारे एलईडी चलेंगे, अभी आपको पिंक वाली दिखाता हूँ। ये देखिए ये इतनी सी ग्लो कर लेंगे, ये फ्लैशिंग नहीं कर रही है पिंक में, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरी दिखाता हूँ, ये वाली लेता हूँ, ये रेड वाली देता हूँ। ये देखिए इसका फ्लैशिंग का स्पीड देखिए कैसा है, अलग है इसमें। और ये वाला जब भी हमने यूज़ किया था स्टार्टिंग में, इसे फास्ट हो रहा था, अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन रेड सपोर्ट कर रहा है, पिंक इसमें सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं अभी आपको दूसरी येलो भी दिखा देता हूँ एक बार इसके अंदर। ये देखिए येलो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तीसरा एक और फ्लैशर है वो वाला लगाते हैं। ये जो फ्लैशर है ये भी रिले वाला फ्लैशर है। ये जो फ्लैशर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, ये जो होती है इसके अंदर रिले होता है, और ये जो है इसमें भी रिले होता है। इसका अगर आइडेंटिफाई करने करेगा ना, तो इसमें एक और तरीका था, इसका वेट, ये रिले वाला जो रहता है इसका वेट ज़्यादा रहता है, और ये एलईडी वाला इसका वेट कम रहता है, एकदम लाइट वेट होता है, एकदम हल्का होता है, पता ही नहीं चलता इसका वेट। तो ये भी रिले वाला है, तो ये इसका, ये देखिए ये कौन सा कंपनी का है, रेक्स। और ये जो मैंने लिया था एलईडी वाला जो फ्लैशर था, ये वो देखो ये वाला है, तो अभी ये वाला लेते हैं। ये देखो इसका एमआरपी कितना है, ये 108 का है एमआरपी, और ये वाला कितने का था, ये एलईडी वाला 98 का था। ये जब भी एलईडी इंडिकेटर्स लगाते हैं ना, उसके लिए काम आता है। अभी ये वाला उसका, तो इसमें देखो एल और बी इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है, लोड पॉइंट बैटरी पॉइंट इसमें इन्होंने दिया नहीं है। तो जब हम ऐसा रखेंगे, ये लोड हो गया, ये बैटरी हो गया, तो ये बैटरी से जो वायर आई यहाँ पे लग गई, और ये वाला वायर यहाँ पे लग गया। अभी मैं इस पर ये लेता हूँ, जो सपोर्ट नहीं कर रही थी ना उस पर, वो हम इस पर डालते हैं। ये लो डाल दिया, ये देखिए काम करने लगा। अभी आपको इसके अंदर पिंक डाल के देखते हैं, पिंक वाला सपोर्ट नहीं कर रहा था तो पिंक इसमें लगाते हैं। देखिए पिंक सपोर्ट करता है, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ भी, अगर स्ट्रोबिंग वाला अगर आपको बनाना है, तो आपको जो फ्लैशर लेना पड़ेगा वो रिले वाला फ्लैशर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रिले वाला फ्लैशर हो गया, ये भी रिले वाला फ्लैशर है, स्टॉक फ्लैशर है जो कंपनी के गाड़ियों में जो लग के आती है ना, वो फ्लैशर है ये। तो ये देखिए ये काम करने लग गया, और ये बहुत सिंपल है। आपको ये एलईडी पायलट लाइट भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, वो भी करता है कि नहीं काम देख लेते हैं। कर रहा है लेकिन स्लो है। हाँ, तो ये वायरिंग अभी हो चुकी है इसी बरोबर, ये नंबर प्लेट पे मैंने रेड कलर की लगा दी, आपको जो कलर चाहिए आप लगा सकते हैं। और अंदर से लेके वायर ऐसी आई, और एलईडी का जो पॉजिटिव है ना, वो फ्लैशर के लोड पॉइंट पे जाएगा, और जो बैटरी पॉइंट वाला जो है ना फ्लैशर का, वो पावर सप्लाई पे जाएगा। तो पावर सप्लाई आप ब्रेक पे डालो, इग्निशन पे डालो, पायलट लाइट पे डालो, कैसे भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेक पे डाला है, ग्रीन में येलो स्ट्रिप जो आपको दिख रहा है ना, वो ब्रेक वाला फंक्शन है, तो मैंने उसको ब्रेक पे डाला। और ध्यान रहे कि डीसी कनेक्शन होना चाहिए, और ये नेगेटिव मैंने अर्थिंग कर दिया। तो जो ब्रेक वाला जो फंक्शन है ना, वो ऑलरेडी डीसी कनेक्शन ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको जैसा आपको कनेक्शन चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो एक बार आपको ये करके दिखाता हूँ एक बार, तो ये दिन में वाला इतना थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो एक बार आपको रात को भी कैसा दिखता है वो भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये अभी पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, ये यहाँ पे लगा दी मैंने,
ओके, और यहाँ से वायर लेके इधर ले लिया, ठीक है। तभी आपको दिखाता हूँ ब्रेक मार के कैसा दिखाई देता है। चलो ब्रेक मार, तो ये देखो ये ऐसा ब्लिंक करेगा, छोड़ दे पाजो कर, तो ये ऐसा इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर स्टोबिंग वाला बल्ब है, इसको मैंने इससे कवर करके रखा है, नहीं तो क्या ये मिक्स होएगा तो आपको पता दिखेगा नहीं भी ठीक से। तो ये इस तरह से ब्लिंक करेगा, ये भी पूरा ये कवर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर कवर भी अगर रहेगा तो देखो अच्छा दिखता है ये भी। तो ये इस तरह से आप ऐसा स्टोबिंग वाला फ्लैशिंग आप बना सकते हैं, इंडिकेटर फ्लैशर यूज़ करके, और आपको रिले वाला फ्लैशर आपको यूज़ करने का है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।